गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो सेकेंड चैप्टर का हमारा सेकेंड लेक्चर है। तो पिछले लेक्चर में मैंने तुम्हें पढ़ाया था वर्क के बारे में, व्हाट इज वर्क, उसका फॉर्मूला, ठीक है, उसके टाइप्स। आज के लेक्चर में हम देखने वाले एनर्जी के बारे में, बिकॉज वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो वर्क होता है वही एनर्जी। तो हमें एनर्जी के बारे में देख रहे हैं। एनर्जी तरह तरह की होती है, अलग अलग, सबकी एनर्जी एक जैसी नहीं होती। किसी की एनर्जी बहुत हाई होती है, किसी की लो होती है। तो हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देखने वाले हैं, उसमें से खास तरह की एक एनर्जी है जिसके बारे में पढ़ने वाले। सबसे पहले देखा जाए कि एनर्जी किसे कहते हैं। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी मीन्स वॉट? वो डिपेंड करता है उसके काम करने की क्षमता पे, मीन्स द कैपेसिटी टू डू वर्क, द कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क। मतलब वो कितना काम करता है उस पर डिपेंड है उसकी एनर्जी। तुम्हारे सामने मैं एक उदाहरण के तौर पर पेश करता हूँ। मान लो यहाँ पे बंदा है, ठीक है, और यहाँ पे एक बंदा है, एक का नाम है राजू, ठीक, और दूसरे का नाम है काजू। राजू और काजू को मैंने एक काम दिया, यहाँ पे मैंने कहा तुम्हें एक काम दिया, दैट इज वर्क। वो काम मेरे के मैंने राजू को 10 मिनट दिए और काजू को भी 10 मिनट दिए, ठीक है। अब वो दोनों ने काम स्टार्ट कर दिया। राजू ने 10 मिनट में काम ये था कि तुम्हें छोटी छोटी 10 किलो की चावल की गोनी थी भरी हुई, इसे लेके फर्स्ट फ्लोर पे बिल्डिंग के जाना था। राजू ने 10 मिनट में 2 बोरी ऊपर लेके गए, और उसी 10 मिनट में काजू ने 5 बोरी यानी 5 गोनी ऊपर ले गए। तो काजू 10 मिनट के अंदर जो काजू है, काजू ने 5 गोनी ऊपर ले गए और राजू ने कितने 4 गोली ऊपर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा काम किसने किया? राजू ने किया। किसने किया? राजू ने। और कम काम किसने किया? ज्यादा काम किसने किया? काजू ने। और कम काम किसने किया? राजू ने। मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? काजू की। तो वो एनर्जी उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कितना काम करता है। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मतलब काजू की कैपेसिटी राजू से क्या है? ज्यादा। यहाँ पे एनर्जी का डेफिनेशन बनेगा द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है। जो एनर्जी का यूनिट है वही यूनिट किसका है? वर्क का। मीन्स वर्क एंड एनर्जी बोथ हैविंग सेम यूनिट, दोनों का यूनिट एक जैसा ही है। द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी सेम, याद रखना, अलग नहीं है। दो यूनिट होते हैं, बड़ा होता है और एक छोटा होता है। ऐसा बड़ा यूनिट होता है, सीजीएस छोटा होता है। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी जूल, और सॉरी ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल एंड सीजीएस यूनिट इज अर्थ। तो बड़ा यूनिट एनर्जी का क्या है? जूल। और छोटा क्या है? अर्थ। जैसे मीटर और सेंटीमीटर होता है, लेंथ को मेजर करना 2 मीटर और छोटा यूनिट क्या है? 2 सेंटीमीटर। ऐसे नॉट टाइप्स ऑफ एनर्जी। सर एनर्जी तो अलग अलग प्रकार की होती है, आपने भी बताया था बहुत सारी एनर्जी। जैसे मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल मतलब मशीन द्वारा प्रोड्यूस की गई एनर्जी। मैकेनिकल मीन्स मशीन, हर जगह मशीन है, ईच एंड एवरी वेयर। जैसे फैन इज अ मशीन, सिलाई मशीन, स्विंग मशीन बोलते हैं इसको। उसके बाद हम हैंडपंप चलाते हैं, वो मशीन है। साइकिल चलाते हैं, वो भी एक तरह की मशीन है ना। तो हर जगह मशीन, हाथों में जो वॉच है वो भी मशीन है। बहुत सारी मशीन तुमने देखा होगा 3D पिक्चर मशीन के बारे में। तो ऐसे बहुत सारी मशीन है, तो उसमें जो भी एनर्जी लगती है वो क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। जो मशीन द्वारा लगाई गई एनर्जी को मैकेनिकल कहते हैं। हीट एनर्जी, हीट मतलब गर्मी की बात। घरों के अंदर गैस, पता है, चूल्हा जलाते हैं खाना बनाने के लिए, आग जलाते हैं, उससे जो हीट पैदा हो वो हीट एनर्जी। लाइट, तुम्हारे सामने लाइट है, घर के अंदर लाइट है, हर जगह लाइट है, लाइट से एनर्जी। साउंड, आवाज की बात करते हैं, दिवाली में पटाखे फूटते हैं या हॉर्न बजाते हैं गाड़ी का, पोंक, जो जैसे भी लोग कहाँ कहाँ से हॉर्न बजा देते हैं। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ये जो मैग्नेट द्वारा प्रोड्यूस की गई इलेक्ट्रिसिटी होती है। केमिकल एनर्जी, रसायन के फॉर्म में, बम के अंदर बालू भरे होते हैं केमिकल्स, उसके बाद केमिकल फैक्ट्रीज होती है, आग लग जाती है। देखो तुमने सुना होगा बहुत सारी ऐसी कंपनियां, खासकर एक दो कंपनी जिसमें ज्यादा आग लगती है, नाम नहीं ले रहा हूं, पर ऐसी कंपनियां हैं जिसमें केमिकल्स बहुत होते हैं। न्यूक्लियर, न्यूक्लियर मतलब एटॉमिक एनर्जी, एटम बम जहां बनता है। आज देखो हर जगह एकदम जो माहौल है बहुत बिगड़ा हुआ है, सबके पास अनुभव है, ये कहता है मैं इस पर हमला करूंगा, उस पर
तो हमारे पास क्या अनुभव है, हमारे यहाँ तो बियासी जो है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वहां पे इसका क्या होता है, इजाद किया जाता है, इसे बनाया जाता है एटॉमिक बम को, तो वहां पे न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ही खातिर होता है। सोलर, सोलर मतलब जो सूरज से हमें एनर्जी मिलती है, सन सन एनर्जी। तुम्हें देखे होंगे बहुत सारे फैक्ट्रीज बिल्डिंग्स के ऊपर सोलर पैनल्स लगे होते हैं ब्लैक ब्लैक कलर का, जो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जमा करता है। बट इतनी सारी एनर्जी तो हमें पढ़ना क्या, हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है इस मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। तो मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो अब हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखने वाले हैं, कहाँ जाओ, ठीक है। देखो पहला है पोटेंशियल एनर्जी, देखते हैं व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मींस व्हाट, किसी भी बॉडी के अंदर उसके शेप और पोजीशन के कारण जो भी एनर्जी उसके अंदर स्टोर है उस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। मींस देखो कभी भी हम रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग क्या ऐसी कैसे भी खड़े रहते हैं, चलो दौड़ना है रेस में, ऐसे खड़े हम ऐसे दौड़ते हैं नहीं, हम पोजीशन लेते हैं ना, ऑन योर मार्क गेट सेट गो, ऐसा तो कोई पोजीशन के बाद एनर्जी आती है, तुम कैसे भी एकदम जैसे वैसे में पी के खड़े हो, हाँ दौड़ना दौड़ा और क्या तुम्हारा ऐसे दौड़ो गया तुम नहीं, उसके लिए हम पोजीशन लेते हैं। अगर हम ध्यान में बैठते हैं, समझो ध्यान में मेडिटेशन में, तो कैसे बैठते हैं, ऐसे मेडिटेशन करते हैं और ऐसे करते हैं मेडिटेशन नहीं, उसके लिए भी पोजीशन होती है। तो हर एक पोजीशन कोई ना कोई एनर्जी है, हर एक पोजीशन की कोई ना कोई एनर्जी है, ठीक है। तो हर एक पोजीशन में तुम्हें कोई ना कोई एनर्जी छुपी दिखी होगी, अगर मैं ऐसे करा यहाँ पे एक अलग एनर्जी होगी, मैं ऐसे करा यहाँ पे अलग एनर्जी, ठीक है, मैं ऐसे करा यहाँ पे अलग एनर्जी, मतलब हर एक पोजीशन क्या एनर्जी लगे। फैन जो होता है फैन की पोजीशन होती है, फैन को मैंने ऊपर ऐसे क्या सीलिंग फैन नीचे लगा घुमाऊ से उसकी अलग एनर्जी। तो यहाँ पे अगर पानी स्टोर है टैंक के अंदर उसकी अलग एनर्जी, अगर मैं वो जो वो होता है पता है तुम्हें तीर चलाते हैं हम लोग धनुष्यमान, अब वो मैं खींच रहा हूँ उसको, उसमें भी एनर्जी। बम के अंदर जो क्रैकर्स होते हैं उसके अंदर जो केमिकल्स बारूद भरे वो रेस्ट पर, उसमें भी एनर्जी है। बंदूक की गोली निकलने से पहले उसमें भी क्या है, एनर्जी। तो हर जगह एनर्जी पोजिशन की वजह से, द एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट, कि उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी स्टोर है बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजिशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल मान लो इस बकेट में पानी, पानी जो है वॉटर वोल्टेज पोजिशन, यहाँ पे नदी बह रही है इसमें अलग एनर्जी। तो याद रखना ये तो मोशन में, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा वही आएगा जहां पे वो ऑब्जेक्ट कहां पे होगा रेस्ट पे, याद रखना ये नहीं आता, ये दूसरी एनर्जी याद रखना। पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज डील्स विद पोजीशन के साथ होना चाहिए, रेस्ट रेस्ट वर्ड याद रखना बस, तो ये आने वाला नहीं, ये फ्लोइंग मॉडल है। अब मुझे बताओ ठीक है, जो स्टोर रेस्ट पे उसमें पोटेंशियल एनर्जी, द केमिकल स्टोर इन अ क्रैकर्स उसमें पोटेंशियल एनर्जी, द वॉटर इज स्टोर इन अ ओवरहेड टैंक हमारे शरीर के ऊपर जो टैंक है उसमें पानी उसमें पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और कौन कौन से ऐसे तुम्हें क्या करने एग्जाम्पल फाइंड आउट करेंगे। अब हम यहां देखने वाले एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, मैं इसको लिखता हूं टी और ई। तो इसका एक्सप्रेशन एग्जाम एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ये जो मैंने पढ़ा है यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, सबसे पहले वर्क, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। वर्क मीन्स डब्ल्यू, फोर्स मतलब एफ, डिस्प्लेसमेंट मतलब एस, ठीक। अब यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो यहां पे डेस्क है, इसके ऊपर मैंने ऐसे ये ऑब्जेक्ट को रख दिया, अभी जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट पर है रेस्ट पोजीशन पर, और यहां से जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो एच है,
ग्राउंड सरफेस से, तो बट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होने वाला है, इसको मैं छोड़ूंगा कि ऑब्जेक्ट सीधे नीचे की ओर जाएगा, और इसको ऐसे छोड़ू तो नीचे इसको जो खींच रहा है वो है ग्रेविटी। इस ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन जो तो ग्रेविटी के कारण वहां पे क्या आया है, एक्सेलरेशन आया है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो जी है वो मेरा ए है, तो ए इक्वल टू जी, बट फोर्स इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन मैं यहां लूंगा एम इनटू जी, एफ इक्वल टू एम जी, और एस इक्वल टू लिखूंगा एच। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, जो हाइट है हमारा, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, और एस की वैल्यू होगी एच, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट फोर्स इक्वल टू एम जी, यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे तुम ऐसे लिख दो एम ए, ठीक है, एच से बढ़ाता हूं, बट ए इक्वल टू जी, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू एम जी, और एस इक्वल टू एच। ये बन जाएगा W is equal to force की वैल्यू कितनी होगी एम जी, एस की वैल्यू कितनी होगी एच, W हो गया मेरा एम जी एच। बट दिस वर्क इज स्टोर इन द ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो मेरा ये वर्क है वही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। बट W is equal to पोटेंशियल एनर्जी, therefore पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। ये है तुम्हारा फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी के सामने मास है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट है। जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं जमीन पे रखूं या जमीन से 2 किलोमीटर ऊपर रखूं, उसका मास चेंज होने वाला नहीं। ग्रेविटी समझो अर्थ के सरफेस से फिक्स है, एच हाइट कम ज्यादा हो रहा है। अगर हाइट कम है एनर्जी कम, हाइट ज्यादा एनर्जी ज्यादा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड किस पे करता है, हाइट पे। जितनी ज्यादा हाइट पे लेके जाओगे उतना पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। कम हाइट है तो पोटेंशियल कम रहेगा, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन और उसका एक्सप्रेशन, बहुत सिंपल था जो मैंने अच्छे से तुम्हें बताया, ठीक है। अब अगला टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।